मेघा जी, फर्स्टली गुड टू सी यू। एक थैंक बिग यू बॉस विनर घर के अंदर है और एक बिग बॉस विनर सामने। यस, विनर। काफी अच्छा लगता है आपसे आपसे जब भी मुलाकात होती है ना, काफी अच्छा लगता है। और शिव ठाकरे जिस तरह से गेम खेल रहे उनमें क्वालिटी दिखती है, बिग बॉस जीतने जीतने की की क्वालिटी दिखती है। yes, आपसे जानना चाहूंगा, जब वो घर के अंदर जा रहे थे उससे पहले आपकी मुलाकात में आपने क्या कुछ उनसे बोला? सी, हम लोग तो मिलते ही रहते हैं हमेशा। मोस्टली मुझे शिव को काफ़ी जगहों पे एक साथ बुलाया जाता है फॉर द इवेंट्स, फंक्शंस, और हमारा जो भी फैमिली फंक्शंस होते हैं, कभी गणपति होता है, दिवाली होती है, वॉट एवर इट इज़, ही इज़ ऑलवेज पार्ट ऑफ इट। एंड जब भी हम लोग मिलते हैं, हमारी एक ही बात हमेशा होती रही है कि शिव को हमेशा से हिंदी बिग बॉस में जाना था। सबसे पहले तो मराठी बिग बॉस से पहले वो हमेशा हिंदी बिग बॉस का ही सपना देखता आया है, और जब उसे जाना था और उसे बुलाया भी गया था इससे पहले, तब एज अ वाइल्ड कार्ड बुलाया गया था। और मैंने हमेशा कहा था कि ये गलती कभी मत करना एज अ वाइल्ड कार्ड जाने की, हमेशा जाओ तो एज अ फ्रेश कंटेस्टेंट जाना। और बस वो उसने वो एक पॉइंट हमेशा याद रखा, और सी डे वन से जो धूम मचा रहा है शिव उस घर में टिल डेट, जब अब लास्ट हफ्ता चल रहा है, फिनाले वीक ऑलमोस्ट हम पहुँच जाएंगे, कल से फिनाले वीक में होंगे, तो ही इज रॉकिंग एंड आई एम वेरी श्योर कि मेरा भाई लाइट्स ऑफ करे बिना आएगा नहीं वापस। क्या आपको लगता है, आपने जैसे अभी जिक्र किया कि वाइल्ड कार्ड मत जाना, तो आप भी वाइल्ड कार्ड ही गए थे? यस, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। यस, वही पूछना चाह रहा था कि आपको लगता है कि अगर वाइल्ड कार्ड नहीं रहते, हाँ, आप डे वन से रहते हो तो कुछ अलग होता? यस यस डेफिनेटली। फाइनल में श्रीशांत एंड दीपिका थे टॉप 3 या टॉप 2 में, आप खुद को देख रहे थे? यस यस डेफिनेटली। जिस दिन मैं घर में गई थी और मैंने पहले दो टास्क ही परफॉर्म किए थे, तभी से घर के ही सदस्यों ने मुझे टॉप 5 में हमेशा देखा। उन्होंने जब भी घर में रैंकिंग हुआ करती थी तो मुझे वो रैंक मिला था कि मैं टॉप 5 में डेफिनेटली होंगी। बट कभी कभी बिग बॉस भी ऐसी चाल खेल देते हैं, घर में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि अनएक्सपेक्टेडली आप बिल्कुल फिनाले के नज़दीक पहुंच जाते हो और आप घर के बाहर होते हो। शिव ठाकरे की गेम के बारे में बात करूं, किस तरह से लगी आपको जर्नी शिव ठाकरे की गेम? माइंड ब्लोइंग मतलब शिव की जर्नी ऐसी रही है कि शिव विल बी द एग्जाम्पल फॉर यू नो ही सेटिंग अ बार कि जो सालों तक याद रखा जाएगा कि अगर प्लेयर हो, इंसान हो बिग बॉस के घर में, तो वो ऐसा हो जो मतलब एकदम निडर हो के और डे वन से एकदम फ्रंट फुट पे खेल रहा है। वो कभी उसने बैक सीट ली नहीं, हमेशा फ्रंट फुट पे आके अपना ओपिनियन रखा है। अब तो जब काफ़ी जगहों पे निकल भी चुकी है ये बात, कौन किसके क्या कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये लड़का बिना किसी कंडीशंस और कॉन्ट्रैक्ट्स के उस घर में वैसे गया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस शो में आने का कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली होता है, बट उसके अलावा के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वैसा बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के वो वहाँ तक पहुँचा है, और ये इतनी बड़ी बात है मेरे लिए। बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि वैसे बिना किसी कंडीशन के आप घर में जाते हो और फिर भी इतनी देर तक सर्वाइव करते हो, वो कितना मुश्किल है। हमने देखा है बाहर गए हुए लोग भी वापस आए हैं बिकॉज उनके कॉन्ट्रैक्ट्स शायद वैसे होंगे इस वजह से आउट हुए कंटेस्टेंट भी घर पे आए, ऊपर से प्राइज मनी भी लेके गए, उनकी वजह से प्राइज मनी भी कटी है। अभी कल ही मैं देख रही थी, कल का जो एपिसोड है, बिग बॉस ने टास्क दिया, दो ग्रुप बनाए उन्होंने, और दो ग्रुप में प्राइज मनी जीतने की उन्होंने ये की, मतलब ये पहली बार ऐसा होगा शायद बिग बॉस में कि किसी पर्टिकुलर इंसान को इतनी प्राइज मिलेगी और किसी पर्टिकुलर इंसान को इतनी प्राइज मिलेगी। मतलब इतने भेदभाव पे उतर चुके हैं अब ये लोग कि जिसे चाहते हैं प्राइज मनी दिलवाना ज़्यादा, उसे ज़्यादा प्राइज मनी। हालांकि प्राइज मनी गई भी किसकी वजह से, ये आप अगर गौर तलब करेंगे, अंकित को बचाने के चक्कर में प्रियंका ने प्राइज मनी 25 लाख गंवाए, टीना को बचाने के चक्कर में शालिन ने 25 लाख गंवाए, पर शिव ने किसी के लिए बजर नहीं दबाया था। उसने तो उल्टा वो गए इनकी बेवकूफ़ियों की वजह से जो प्राइज मनी गई थी उसे वापस लाने के लिए जो एक टास्क हुआ था जिसमें कोड देने वाले थे बिग बॉस, वो लॉकर का कोड जिसमें प्राइज मनी होगी, इसने अपनी कैप्टनसी की दावेदारी नहीं ली और उसके बदले में कोड लिया वो प्राइज मनी के लिए, जबकि ये जो बाकी दूसरे कंटेस्टेंट्स हैं इन्होंने कैप्टनसी की दावेदारी ली थी
इन्होंने प्राइज मनी को जीरो इम्पोर्टेंस दिया था, जब प्राइज मनी आ रही थी या बचा सकते थे तब नहीं लिया। और अब देखिए जिन लोगों की वजह से प्राइज मनी घटी है उन लोगों को अब जब वो जीतेंगे तो उनको फुल प्राइज मनी होगी, और जब मेरा भाई शिव जीतेगा जिसकी मुझे फुल गारंटी है उसे कम प्राइज मनी मिलेगी। ऐसा ऐसा क्यों? पर आपको लगता है कितना अनफेयर हो जाता है जिस तरह वो टास्क बीता था? यस, अब देख रहे हो अंकित को बचाने के लिए, हाँ, टीना को बचाने के लिए, आज वही खिलाड़ी तब तो कोई ग्रुप में डिस्कशन नहीं था, सिर्फ एक बंदे के ऊपर वो डिसीजन था, एक जन डिसाइड करना कर सकता था, तब सब सारे घर वालों पे क्यों नहीं वो डिसीजन सौंपा गया फिर कि क्या इसे बचाने के लिए आप प्राइज मनी वो करेंगे? जब उनकी मर्जी आई एक एक बंदे ने बजर दबा के प्राइज मनी गवा दी, जबकि वो प्लेयर ऐसे थे कि वो उस घर में रहने के लायक भी नहीं थे, अच्छे प्लेयर्स भी नहीं थे। अंकित वॉज अ नाइस ह्यूमन बींग, बट हमने देखा कि उसका गेम बिल्कुल ज़ीरो नहीं, उसका गेम माइनस हो चुका था, फिर भी उसे बचाने के चक्कर में और इस स्टेज पर आकर इतने दिनों तक टिक कर इतनी मेहनत कर कर अब शिव के हिस्से की या स्टैन के हिस्से की प्राइज मनी घट रही है, दैट इज़ सो सो अनफेयर ऑफ देयर पार्ट कि बेचारों के साथ ऐसा अन्याय क्यों? अब नॉमिनेशन का टास्क भी इस हफ्ते जो हुआ, क्या आपने देखा है कि फॉर एग्जांपल जो बच्चा शुरू से लेके आज तक बिल्कुल पढ़ाई में ज़ीरो रहा है, ओके, जो अर्चना प्रियंका ये लोग जो कभी कोई टास्क नहीं जीत पाए, किसी टास्क में इन्होंने अपनी चमक नहीं दिखाई, कहीं पे भी शाइन नहीं हुए, वो लोग टास्क गलत करने के बावजूद, मतलब किसी ने 12 मिनट लिए, किसी ने 7 मिनट लिए, किसी ने और पता नहीं कितने 12-7 और प्रियंका ने शायद 14 मिनट लिए, मतलब जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, गलत होने का कोई लिमिट ही नहीं है, इतना गलत खेलने के बावजूद वो लोग नॉमिनेशन से सेफ हो चुके हैं। तीनों ने भी गलत टास्क किया, और जिस बंदे ने सबसे एक्यूरेट टास्क किया, शिव का टाइमिंग था 9 मिनट 10 सेकेंड, इतना एक्यूरेट बिना घड़ी के कैसे कोई हो सकता है, फिर भी शिव ने वो किया, तो वो बंदा नॉमिनेशन में है। एमसी स्टैंड 10 मिनट उसने लिए, ऑलमोस्ट क्लोजर टू 9 मिनट, वो नॉमिनेशन में है। सो समझ में नहीं आता कि ये इतना अनफेयर ये ग्रुप देने की कहाँ से बिग बॉस को सूझी, और इतना गलत कैसे, मतलब अन्याय की भी कोई हद होती है यार, नाइंसाफी की भी कोई हद होती है कि जो बंदा टास्क कर रहा है शुरू से लेके एंड तक, इतने डिस्ट्रैक्शंस, इतनी चीज़ें हुई उसके बावजूद वो डे वन से लेके अभी तक 100 में से 100 नंबर ला रहा है वो लड़का, और उसी के साथ ये सब गलत चीज़ें हो रही है। सो आई एम नॉट हैप्पी विद दैट, बट कोई बात नहीं, वो टिकट टू फिनाले ना जीते, कोई बात नहीं, वो नॉमिनेट हो जाए, ट्रॉफी वही जीतेगा। पर आपको कई हद तक लगता है जिस तरह साजिद के साथ उनकी दोस्ती थी, अब्दू के साथ, जो मंडली की मैं बात कर रहा हूँ, वो नॉमिनेट होने के बाद कई हद तक उनकी गेम में बदलाव आया, ऐसा आपको लगता है? लोगों को ऐसा लगता है जो दोस्ती वो निभाते थे, हाँ, अब्दू के साथ सबसे अच्छी दोस्ती थी, एल्डर ब्रदर ट्रीट करते थे अब्दू को, आपको कैसी लगी वो दोस्ती? That was the best thing in the house. Otherwise, बाकी दूसरे ग्रुप को आप अगर देखो, सौंदर्या को देख लो, अर्चना को देख लो, टीना और शालीन को देख लो, प्रियंका को देख लो, ये लोग इतनी लड़ाइयाँ करते, घर में इतना शोर होता है, इतने सारे शोरगुल के बीच में, मतलब ये जो एक अलग ग्रुप था वो हमेशा एक दूसरे की इज्जत उतारने पे मतलब कायम लगे रहते थे। मैंने जहाँ तक मैंने प्रियंका का गेम अभी तक देखा है, उसने अपने साथ जितने लोग थे उन सबको बेइज्जत किया है, उनकी बेइज्जती कर करके वो लोग बेचारे अपने ही दोस्त के हाथों बुरी तरह बेइज्जत, बेआ, मतलब वो एक कुछ है ना शेर, बड़े बेआबरू निकले होकर निकले तेरे कुचे से, तो ये सब अपने ही दोस्त के हाथों इतने बेइज्जत होके घर से बाहर निकले हुए सारे के सारे। और यहाँ पर देखिए आप देखिए कि इतने कॉम्पिटिटिव शो में भी जहाँ पर सैनिटी भी अपनी सैनिटी खो दे, ऐसे शो में कोई अपने लोग हमेशा अपने दिल के करीब रखता है, चाहे जैसी भी सिचुएशन आए। इन लोगों ने कभी एक दूसरे से गिले शिकवे इस तरीके से नहीं किए, अगर कुछ एक दूसरे के लिए लगा भी कोई चीज़ खटकी भी तो
साइड में आके शांति से बैठ के उन्होंने बात की है, एक दूसरे को समझा है, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे से शेयर किए बिना तमाशा बनाए। अगर इन दूसरे ग्रुप की बात की जाए, अगर ये मंडली है तो उसे मैं झंडली कहूँगी, उस ग्रुप ने इतने बुरी तरीके से एक दूसरे की इज्जत को तार तार किया है कि ऐसा लगता है यार ऐसे ऐसे दोस्त होने से तो दुश्मन भले, कम से कम पता तो है कि वो दुश्मन है तो इस वजह से हमारी इतनी बेइज्जती किए जा रहे हैं। बट जिस तरीके से इन लोगों ने अपने दोस्तों को ट्रीट किया है इस दूसरे ग्रुप ने, दैट वॉज हिलेरियस कहूँगी मैं इस चीज़ को, और डिसगस्टिंग भी। बट मेरा जी कई लोगों का कहना है कि प्रियंका की जीत काफ़ी ईजी हो जाती है क्योंकि वो कलर्स का फेस है और उसकी वजह से बिग बॉस हमेशा कलर्स के फेस को ही जीता। शिव जनता का फेस बनेगा, कोई बात नहीं। yes. अगर ऐसा हो लियो लियो थाम 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 लियो साक्षी लियो ला घेऊन जा साक्षी लियोला घेऊन जा बेटा लियो माइक वर येऊन बोलतोय लियो ऑल्सो वॉन्ट्स टू से समथिंग। जी हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से। हाँ, मेरा सवाल ये था कि लोगों का कहना है कि प्रियंका जीत सकती है बिग बॉस, काफी इजी है बिग बॉस जीतना उनके लिए क्योंकि वो कलर्स का फेस है। अगर ऐसा हो जाता है तो वो कितना अनफेयर हो जाता है बाकी लोगों के लिए, जैसे कि शिव है, एमसी स्टैंड है, ऐसे लोगों के लिए जो ऑफकोर्स अनफेयर होगा ही। और हमने पिछले कुछ सीजन की हिस्ट्री भी देखी है कि अनफेयर तो हुआ है लोगों के साथ, मतलब अच्छे कंटेस्टेंट्स के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाइंसाफी तो हो ही गई है, डिस्टर्बेंस नहीं आई है। आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह प्रियंका को लोगों का कहना है कि वो कलर्स का फेस है और वो ही जीत सकते हैं, ये कितना अनफेयर हो जाता है जैसे एमसी स्टैंड और शिव के लिए जो दिल से वो गेम खेले और जिस तरह से वो गेम खेले, जिस तरह वो रियल लाइफ में वही बिग बॉस के घर में है। अनफेयर तो सही देखिए हो ही जाता है और हम शुरू से लेके एंड तक देखते ही रहते हैं कि कहीं कहीं जगहों पे वो दिखती है फेवरिज्म पता चलता है। बट एंड ऑफ द डे ये गेम है और अब तो बिग बॉस ने खुल के कहा है कि वो भी खेल रहे हैं तो उनको तो भाई खेलने का हक है तो वो खेले। बट ये है कि अगर बाकी की बहुए कलर्स का फेस है तो हमारा शिव जनता का फेस है और वो हमेशा जनता का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, ना ही किसी सिर्फ पर्टिकुलर चैनल का। हाल ही में टॉर्चर टास्क हुआ था फाइनल राउंड के पहले, काफी कुछ हुआ टॉर्चर टास्क में, शिव को लेके काफी कुछ हुआ। आपको क्या लगता है वो टॉर्चर टास्क किस तरह बीता है शिव के लिए? शिव ने तो बहुत जेंटली किया है वो टास्क, मतलब शिव अगर जिस तरीके का शिव रोडीज और बिग बॉस करके आया है जो कि बहुत डिफिकल्ट शोज रहे हैं ये, मतलब इस सीज़न में अगर देखा जाए तो वैसे टास्क हुए ही नहीं, मतलब जब सीज़न ख़त्म हो रहा है तो आखिरी टास्क जो है वो एक्चुअल बिग बॉस के जैसे टास्क होते हैं वैसा टास्क आया है। अदरवाइज जो आज तक शिव को चिढ़ाते थे घर के अंदर अर्चना ने या फिर प्रियंका सॉरी सौंदर्या ने कि यार ये कैसे करता होगा ये बिग बॉस में, क्या कैसे जीतता होगा, और जो कि क्वेश्चन मार्क उठाए जाते थे उस पर, मेरे सीजन में मेरे ऊपर भी कई बार क्वेश्चन मार्क उठे कि ये कैसे विनर बनी। तो लेट मी टेल यू गाइस कि जो अभी सीज़न ख़त्म होते होते जो टास्क शुरू हुआ है ना, हमारे मराठी सीज़न में ये टास्क पहला होता है, मतलब ये वार्म अप टास्क होता है और उसके आगे फिर और टास्क खतरनाक होते जाते हैं। तो हम वो खेल के वहाँ से आके यहाँ पर आए, मतलब वो लेवल, मतलब इतना उसका टफ होता है टास्क का कि वहाँ से लेके हम उसके बाद यहाँ आए, इस सीज़न में कोई टास्क नहीं हुए। जो अर्चना हमेशा ताना देती है बिग बॉस विनर होने का शिव को, वो कल कहती है टास्क ख़त्म होने के बाद, हैं ये होता है टास्क ऐसा होता है, तो मैडम अब पता चला आपको टास्क किसे कहते हैं कैसे खेलते हैं, आप पहली बार जब खेली हो तो आपको इतना प्राउड फील हो रहा है, ये जो बच्चा है शिव ये ऐसे कई टास्क करके आया है, हमारे सीज़न में ऐसे हफ्ते में 3 टास्क होते हैं, नॉमिनेशन फिर कैप्टनसी टास्क फिर साप्ताहिक कार्य, ये हफ्ते के 3 करते करते 15-16 हफ्ते हम वो टास्क खेल के फिर हमें वो ट्रॉफी मिलती है। तो उस ट्रॉफी की थोड़ी तो इज्जत रखिए जब आप घर के बाहर आएंगी, अर्चना जी या फिर सौंदर्या जी देख रही होंगी
जिन्होंने भी बिग बॉस के मराठी विनर्स पे क्वेश्चन मार्क्स उठाए, उनके लिए ये मेरा कहना होगा कि किसी अगर दिन अगर आपको टाइम मिले, खैर अब तो आप बाहर आ जाओगे तो आप लोगों के पास टाइम ही टाइम होगा, इसके बाद तो शायद ही आप बिजी होंगे, तो आप देखिएगा कैसे होते हैं मराठी सीजन, फिर आपको पता चलेगा शिव कैसे जीता था। कुछ आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन अब शिव के लिए उस घर में कौन है? देखा जाए तो शिव के लिए स्टैन सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है, सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन, बिकॉज स्टैन इज अ वन मोर जेन्युइन प्लेयर, जो कि हम अग्री करते हैं कि बहुत ही लेट खेलना शुरू हुए हैं, बट अब जब वो खेलना शुरू हुए तो उन्होंने गैर सीधा सिक्स ही डाला है, तो शिव की सबसे बड़ी कंपटीशन आई थिंक स्टैन है, और शिव के बाद अगर मेरा उस घर में इस वक्त अगर कोई फेवरेट है तो दैट इज स्टैन। पर आपको क्या लगता है कि फिनाले टास्क या फिनाले वीक में शिव कौन से ऐसे सदस्य है जिससे दूर रहना चाहिए? अर्चना और प्रियंका से अगर वो डिस्टेंस रखे तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। टॉप थ्री में आप किसको देखते हो? मेरे लिए टॉप थ्री नहीं है, मेरे लिए टॉप टू है शिव और स्टैन। क्या लगता है आपको अगर शिव नहीं जीतते, स्टैंड नहीं जीतते, तो कौन से ऐसे सदस्य जो जीतेंगे? जो भी होगा फिर वो उसे मैं विनर कहूँगी नहीं, क्योंकि फिर ऐसे मैं कहूँगी बैठे बिठाए ही उनको अगर ट्रॉफी दी जाती है तो मेरी नज़रों में वो विनर होगा ही नहीं। एक आखिरी सवाल, अगर शिव जब भी आपसे मुलाकात करते सबसे पहला आप क्या कहोगे उनसे, और सबसे पहला किससे दूर रहने को कहोगे इन रियल लाइफ? मैं शिव को सबसे जब वो बाहर आएगा और फिनाले के बाद जब मैं उसे मिलूंगी उस ट्रॉफी के साथ, तो मैं उसे यही चीज़ कहूंगी कि आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ हिम, बिकॉज इट वाज नॉट इजी, बिना किसी एमजी के, बिना किसी एक्टिंग के स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के, वो लड़का वहाँ पे गया है, खेल रहा है, दिल से खेल रहा है, दिल से रिश्ते बना रहा है, दिल से सब कुछ निभा रहा है, दिल से उस घर में एक एक पल वो जी रहा है, और यहाँ तक कि उसकी जो जर्नी रही है वो आसान नहीं है, तो मैं उसे यही कहूँगी कि आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम, और मैं कहूँगी दूर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी से, क्योंकि शिव इतना पॉजिटिव बंदा है कि अगर वो अपने साथ किसी को दोस्त बना लेता है तो वो निगेटिव को भी पॉजिटिव में बदलने की ताकत रखता है, तो शिव को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए जैसे जैसे शिव का ग्रुप बढ़ता गया, जो लोग शुरू में बहुत गलत नज़र आ रहे थे वो भी अच्छे लगने लगे, सो शिव का ऑरा ही ऐसा है कि वो ताकत रखता है कि किसी निगेटिव बंदे को भी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता है। उनकी शादी की बात काफ़ी चल रही है, उनकी जब मैंने उनकी माता जी से भी मुलाकात हुई तो बोल रहे काफ़ी सारे रिश्ते आ रहे हैं, हाँ। उसको लेके क्या आप कहोगे शादी को लेके? यही कहूँगी कि भाई तू नहीं चुनेगा अपनी दुल्हन, तेरी दुल्हन हम चुनेंगे, ओके तो बस आराम से घोड़े पे बैठ के आ जाना बारात में, जोक्स अपार्ट, बट शिव जैसा लड़का है आई एम वेरी श्योर उसकी मेरी जो भाभी होगी वो डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी, सुलझी हुई होगी, और सबसे बड़ा बड़ी चीज़ उसमें ये होगी कि वो बहुत ही वैल्यूज़ रखने वाली होगी, फैमिली से बहुत प्यार करने वाली होगी, शिव की तरह ही अच्छे और नेक दिल की होगी, तो बस हमें इससे ज़्यादा और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और मैं ढूंढूंगी ऐसी भाभी अपने लिए ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद मेघा जी आपका। थैंक यू सो मच। और कुछ पॉइंटर्स थे जो मुझे एक्चुअली बोलने थे बट वो और एक बार मैं पूछना चाहूँगा कि जो टॉर्चर टास्क हुआ जी, क्या लगता है आपको कि आपको कैसा लगा वो टॉर्चर टास्क एज अ व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू? एज अ व्यूअर एज अ व्यूवर मुझे लगा कि शिव और उसकी टीम ने तो टॉर्चर किया ही नहीं, स्टैन ने तो बस वो आते जाते सिर्फ ऑयल डाल रहा था, साबुन डाल रहा था, और स्टैन शायद वैसा बंदा है भी नहीं कि वो किसी को तकलीफ़ देना पसंद करेगा, वो सिर्फ हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। निमृत ने एक दो बार हाथ फिजिकली हाथ छुड़ाने की कोशिश की या फिर वो उसकी रस्सी खींचने की हार्नेस खींचने की कोशिश की, वो थोड़ा गलत था, बट शिव के तरफ से अगर मैं ये टास्क देखूँ तो शिव ने बहुत ही एक्चुअली जेंटली खेला, और मैं एक्चुअली इस बात से खुश नहीं हूँ कि वाई शिव ने टॉर्चर नहीं किया, बिकॉज शिव सिर्फ कान में गुदगुदी कर रहा था, जो प्रियंका कह रही थी कि बाद में टास्क के बाद प्रियंका ने भी कहा
कि अरे नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, मैं तो बस ऐसे ही कर रही थी, झूठ मूठ बोल रही थी कि मुझे मेरा कान फट जाएगा या ऐसे, वो तो मैंने उसे बिजी रखने के लिए किया था। इट प्रूव्स इवन जैसे ही टास्क ख़त्म हुआ प्रियंका ने खुद बोला कि थैंक्स शिव, तुमने वो सादा पानी फेंका, इसकी वजह से मेरी आंखें बच गई, वरना मेरी आंखें तो गई थी। ऐसा प्रियंका ने टास्क ख़त्म होते ही कहा कि मतलब अगर उसकी आंखों में ज़रा कुछ गया होगा तो शिव ने तुरंत उसको सादा पानी दिया फेस पे। तो इट शोज़ कि शिव नहीं है वैसा कि वो किसी लड़की के साथ एक लेवल क्रॉस करके, लिमिट क्रॉस करके जाए। इनफैक्ट जब जैसे ही बिग बॉस ने कहा कि टास्क ख़त्म हो चुका है, शिव वॉज द फर्स्ट वन जिसने सबसे पहले प्रियंका को सहारा दिया, क्योंकि वो जो हार्नेस है वो उसमें इलास्टिक लगी रहती है और जब आप उसे अचानक से छोड़ते हो तो आप होती है संभावना कि आप धड़ाम से जाके पीछे आप खींचे जाओ और गिर जाओ। तो शिव वॉज द फर्स्ट वन कि उसने पहले प्रियंका को पकड़ा कि वो गिर ना जाए या उसे चोट ना लगे। तो शिव इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, बट शिव को थोड़ा हार्श होना चाहिए था टास्क में, जो वो हुआ नहीं ज़रा भी। शायद हो जाता तो मतलब दुनिया ना दोनों तरफ से बोलती है। अगर शिव जैसे प्रोमो में जो काट काट के दिखाया था ड्रामेटिक करके कि शिव टास्क करते वक्त थोड़ा अनरीजनेबल हो रहा है, तो वो तो वैसा हुआ ही नहीं था। जो प्रोमो में बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया कि शिव बहुत ज़्यादा कर रहा है, जो हमने एपिसोड में देखा उसमें तो कुछ भी नहीं था। वो कई बार होते हैं प्रोमोज बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग, जैसे आज के टास्क में हल्दी फेंकते हुए दिखाया बट पता चलता है कि बाद में मिर्ची भी है, क्या क्या है। तो आज के उनके टीम के बारे में जो दिखाया वो तो बड़ा माइल्ड था, और जब शिव के टीम के बारे में दिखाना था तो ऐसे दिखाया कि पता नहीं शिव ने क्या कर दिया। बट शिव नहीं है वैसा पर्सन, शिव ने बहुत जेंटली मतलब खेला उसने टास्क, बट एक हद में रह कर खेला, ये देखते हुए कि सामने दो लड़कियाँ हैं और शालिन को तो उसने कुछ किया ही नहीं। बट आई एम फीलिंग सैड कि जब प्रोमोज आते हैं तो ऐसे मिसलीडिंग क्यों होते हैं, और शिव को थोड़ा और जोर लगा ही देना चाहिए था, ऐसे मुझे लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक मिनट।